नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल मिश्रा और मैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल माई पाठशाला में और पाठशाला रेलवे एग्जाम में। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और इस करंट अफेयर्स को रोज एंजॉय करते होंगे। तो फिलहाल करंट अफेयर्स को शेयर करना मत भूलिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिएगा। आज के करंट अफेयर्स की ओर चलते हैं और बेहद इंपॉर्टेंट जानकारी आज के करंट अफेयर्स में है, तो वीडियो को पूरा देखना मत भूलिएगा। एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि अभी हाल ही में ग्लोबल रियल एस्टेट ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स जारी किया गया, तो इसमें भारत को रैंकिंग जो प्राप्त हुई है उसमें एक अंक का उछाल है, लेकिन अब तभी एक अंक का उछाल के बाद ये बता पाएंगे कि भारत को कौन सी रैंकिंग हासिल हुई है जब आपको पिछली रैंकिंग याद होगी। तो कौन इसे जारी करता है, क्यों जारी करता है और किस पैरामीटर पर हम ये रैंकिंग डिसाइड करते हैं, तो इन सभी बातों के ऊपर चर्चा करेंगे। लेकिन पहले चलते हैं करंट अफेयर्स की पहली इंपॉर्टेंट न्यूज की तरफ। तस्वीर आप देख पा रहे हैं, जी हां, भारत को 66वां यानी कि 66 नंबर का ग्रैंड मास्टर मिल गया है। 66वें नंबर के ग्रैंड मास्टर अगर ये हैं, कौन है ये? इनका नाम है तमिलनाडु के जी आकाश। ये भारत के 66वें शतरंज ग्रैंड मास्टर हैं। तो पहले कौन थे? पहले थे विश्वनाथन आनंद, 1987 में भारत के पहले ग्रैंड मास्टर बने थे। ग्रैंड मास्टर शतरंज के खेल में सबसे बड़ा खिताब होता है विश्व चैंपियन के अलावा, और इसे कोई भी खिलाड़ी अपने प्रदर्शन के आधार पर हासिल कर सकता है। अगर कोई भी फिडे की पर्टिकुलर रैंकिंग तक पहुंच जाता है तो उसे फिडे यानी कि विश्व शतरंज का जो सबसे बड़ा नियामक है वो उसको ग्रैंड मास्टर की उपाधि दे देता है। तो हाल फिलहाल भारत में 66 ग्रैंड मास्टर है, और बात करें तो हाल ही में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय शतरंज संघ की हालिया बैठक में 23 वर्षीय जी आकाश ग्रैंड मास्टर की पुष्टि की गई है कि उनका जो खिताब है वो ग्रैंड मास्टर लेवल का हो गया है। तो चेन्नई के इस खिलाड़ी की जो फिडे रेटिंग है वो 2495 है। जो कोई भी खिलाड़ी इस रेटिंग तक पहुंचेगा उसे ग्रैंड मास्टर का खिताब दे दिया जाएगा। जैसे आप मैच जीतते चले जाते हो, जैसे आप प्रदर्शन करते चले जाते हो, उस मुताबिक आपकी रैंकिंग बनती चली जाती है। तो भारत के 66वें ग्रैंड मास्टर बने हैं आपके जी आकाश। चेन्नई के इस खिलाड़ी ने, यह ध्यान रखिएगा, ये कहां से है, ये चेन्नई से है। चेन्नई के इस खिलाड़ी ने पूर्व राष्ट्रीय चैंपियन के विश्वेश्वरन से प्रशिक्षण लिया है। ग्रैंड मास्टर वह सर्वोच्च खिताब होता है जिसे एक शतरंज खिलाड़ी द्वारा अपने कैरियर में प्राप्त किया जा सकता है। यह खिताब विश्व में शतरंज के सर्वोच्च शासी निकाय यानी अंतरराष्ट्रीय शतरंज संघ फिडे, फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल द चेस द्वारा प्रदान किया जाता है। अब चलते हैं, आपको थोड़ा सा इतिहास में ले चलते हैं, कौन कौन से ग्रैंड मास्टर हुए। एक छोटी सी लिस्ट है आपके सामने, आप सभी को याद होगा कि पहले ग्रैंड मास्टर विश्वनाथन आनंद, जिन्हें विशी आनंद भी कहा जाता है, वो भी तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं। वर्तमान समय में वो 49 साल के हैं और 1987 में उन्होंने पहली बार ये ग्रैंड मास्टर बने थे। इसके अलावा दूसरे नंबर पर दिवेंदु बरुआ का नाम आता है। दिवेंदु बरुआ भारत के दूसरे ग्रैंड मास्टर थे और ये वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते हैं और इन्हें 1991 में ग्रैंड मास्टर बनाया गया था। अब तक बात किया जाए तो विश्व में भारत की तरफ से सबसे छोटे यानी सबसे कम उम्र में ग्रैंड मास्टर बनने वाले हैं डी कुकेश। डी कुकेश जो है ये पहले विश्व के सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर बन सकते थे, लेकिन सिर्फ 17 दिनों से ये सर्गेई कार्जकिन का रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाए, क्योंकि सर्गेई कार्जकिन जो कि रूस के हैं उन्होंने 12 वर्ष 7 महीने में यह उपलब्धि हासिल की थी, जबकि डी कुकेश जो कि तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं इन्होंने 12 वर्ष 7 महीने 17 दिन में यह हासिल किया था। इससे पहले आर प्रगनंदा जो थे वो भारत के सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर थे, लेकिन वर्तमान समय में सबसे कम उम्र का ग्रैंड मास्टर भारत की तरफ से बनने वाले डी कुकेश हैं। जबकि बात की जाए तो पृथु गुप्ता जो 15 साल के हैं 2019 में ग्रैंड मास्टर बने, तो भारत के 65वें ग्रैंड मास्टर हैं रौनक साधवानी। रौनक साधवानी जो है ये नागपुर से बिलोंग करते हैं। तो ये थोड़ी सी जानकारी हमारे ग्रैंड मास्टर्स के बारे में, अब तक कितने हो चुके हैं, 66। पहले कौन थे? विशी आनंद यानी कि विश्वनाथन आनंद। दूसरे नंबर पे थे दिवेंदु बरुआ, और भारत के सबसे कम उम्र के अभी तक ग्रैंड मास्टर बने हैं आपके डी कुकेश, जो कि आपके तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं। तो अगर देखा जाए तो तमिलनाडु सबसे ज्यादा ग्रैंड मास्टर देने वाला स्टेट है, राज्य है। चलते हैं अगली जानकारी की ओर। तो जी आकाश को याद रखिएगा, 66वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। अगली जानकारी महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र सरकार की जानकारी जो है वो कुछ इस तरीके से है कि महाराष्ट्र सरकार ने एक महाजॉब नाम का पोर्टल शुरू किया है। ऐसे पोर्टल ऑलमोस्ट सभी राज्यों में शुरू किए जा रहे हैं, तो ये करंट अफेयर्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन आपसे कभी नहीं पूछा जाएगा कि ये महाजॉब पोर्टल जो है ये महाराष्ट्र सरकार, किस राज्य सरकार ने। मैं पूछ सकता हूं
आपसे ये आपके वो होते हैं ना क्या बोलते हैं लाइट टेस्ट वाले और जो मॉक टेस्ट वाले होते हैं वो पूछ सकते हैं, लेकिन एग्जाम में कभी इस तरह का नहीं पूछा जाएगा। बहुत रेयर केस में किसी को कोई और क्वेश्चन नहीं मिलेगा तो पूछ लेगा, इससे ज्यादा बड़ी बड़ी घटनाएं हमारे करंट अफेयर्स में होती रहती हैं। तो आप इस चीज से परेशान मत हुआ करो कि सर ने ये न्यूज नहीं ली, सर ने वो न्यूज नहीं ली। अब ऐसे ही एक थी कि सर आपने आठवां कॉन्टिनेंट नहीं बताया। अब आठवां कॉन्टिनेंट आज का थोड़ा ना है, जीलैंडिया जिसे बोला जा रहा है, जीलैंडिया न्यूजीलैंड के नीचे जो मिला है वो 2018 की न्यूज है। अब वो अब आपको कहीं पर चर्चा किसी ने वीडियो बना दिया होगा तो लोगों को लगा ये करंट अफेयर्स में, अभी करंट अफेयर्स में नहीं है बेटा, वो 2018 की न्यूज है। तब पता चल गया था कि न्यूजीलैंड के नीचे एक आठवां आइलैंड छुपा हुआ है, आठवां कॉन्टिनेंट छुपा हुआ है, महाद्वीप छुपा हुआ है। आइलैंड बोल रहा हूं मैं, कॉन्टिनेंट की बात हो रही थी। फिलहाल यहां पर बात करते हैं तो महाराष्ट्र सरकार ने अभी हाल ही में महाजॉब पोर्टल शुरू किया। अब न्यूज पढ़ते ही समझ में आ गया कि क्यों ये पोर्टल शुरू किया गया होगा। प्रवासी श्रमिकाएं होंगे जो जिनके पास रोजगार नहीं होगा, उनको नियोक्ता से मिलाने के, और कुछ ऐसे लोग होंगे जिनके श्रमिक उनको छोड़कर चले गए होंगे, तो दोनों लोग आपस में मिल सकें, एक तरह से जॉब एप्लीकेशन वेबसाइट बनाई गई है। तो हाल फिलहाल यह पोर्टल नियोक्ताओं, कह रहा था मैं, और स्थानीय कर्मियों के बीच में एक अंतर कम करेगा, मतलब उनको मिला देगा, भाई हमको काम की जरूरत है तुमको काम कराना है, भाई मिल जाते हैं। तो ये आपका जो महाजॉब पोर्टल है ये यही करने वाला है। फिलहाल इस पोर्टल का संचालन महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम द्वारा किया जाएगा। महाजॉब पोर्टल कर्मियों को 17 सेक्टरों में आवेदन करने में सक्षम करेगा, जिसमें इंजीनियरिंग होगी, लॉजिस्टिक होगी, टेक्सटाइल होगा और फार्मास्यूटिकल शामिल है। इस नौकरी पोर्टल का लाभ उठाने के लिए नागरिकों को पोर्टल पर पंजीकृत करना पड़ेगा और अपना पूरा ब्यौरा अपलोड करना पड़ेगा। तो चलिए, ये न्यूज इंपॉर्टेंट नहीं थी लेकिन महाराष्ट्र को पकड़ लेते हैं और महाराष्ट्र की इंपॉर्टेंट न्यूज कवर करते हैं जो पिछले 6 महीने में रही है, हिंदी इंग्लिश दोनों में है। जो नए लोग होंगे उनको घबराएंगे नहीं, हिंदी में स्लाइड इसके बाद है। महाराष्ट्र सरकार ने अभी हाल ही में प्रोजेक्ट प्लेटिना लॉन्च किया था। अब प्रोजेक्ट प्लेटिना बजाज प्लेटिना नहीं है, प्रोजेक्ट प्लेटिना प्लाज्मा थेरेपी अप्लाई करने का सबसे बड़ा ट्रायल है विश्व में। इतना बड़ा प्लाज्मा थेरेपी अप्लाई करने वाला ट्रायल नहीं हुआ। प्लाज्मा थेरेपी कोविड 19 वाली, जिसमें जो व्यक्ति कोरोना संक्रमण से बच गए हैं या उनका संक्रमण ठीक हो गया है, उनके रक्त में प्लाज्मा में एंटीबॉडी डेवलप हो गए हैं कोरोना के खिलाफ, तो उन एंटीबॉडीज को किसी दूसरे व्यक्ति को दे दिया जाए, तो इस तरह की जो थेरेपी है वो बेसिकली प्लाज्मा थेरेपी कहलाती है। आगे चलते हैं, महात्मा ज्योतिबा फूले जन आरोग्य योजना, कोविड 19 के दौरान इस आरोग्य योजना के अंतर्गत की एक बीमा योजना है, इसमें सभी को निःशुल्क चिकित्सा उपलब्ध कराई जाएगी। और पहले इसमें सिर्फ और सिर्फ बीपीएल कार्ड धारकों को शामिल किया जाता था, केवल गरीबी रेखा से नीचे वालों को शामिल किया जाता था। अब महाराष्ट्र सरकार ने घोषणा की थी कि वो पूरी की पूरी जनसंख्या को ही शामिल करेंगे, जितना लोग महाराष्ट्र में रहते हैं। शिवसेना लेड महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने अभी हाल ही में, यानी कि शिवसेना की अगुवाई वाली महाराष्ट्र सरकार ने शिव भोजन स्कीम लॉन्च की थी, जिसमें सब्सिडी बेस्ड भोजन प्रदान किया जाएगा, यानी कि कम पैसे में भोजन प्रदान किया जाएगा। इंडिया ने पहली बार एशिया पैसिफिक ड्रोसोफिला रिसर्च कॉन्फ्रेंस, यानी कि एशिया प्रशांत, ड्रोसोफिला का मतलब होता है घरेलू मक्खी पर आधारित एक सम्मेलन का होस्टिंग की, कहां पे की थी, ये पहली बार भारत में हुआ था लेकिन ये 5वां एडिशन था जो पुणे में आयोजित किया गया था, एशिया पैसिफिक ड्रोसोफिला रिसर्च कॉन्फ्रेंस। 5वां एडिशन यानी कि 5वां संस्करण किसका, द पल्सिस कॉन्क्लेव 2020 का, ये लोनावाला महाराष्ट्र में प्रस्तावित था। अभी हाल ही में एक प्रसिद्ध क्रिकेटर का निधन हो गया, उनका नाम था बापू नाडकर्णी, बहुत किफायती गेंदबाज माने जाते थे, इनका भी हाल ही में 86 साल की उम्र में निधन हो गया, जो कि महाराष्ट्र से बिलोंग करते थे। मुंबई में अब भारत का सबसे बड़ा एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम है, इससे पहले यह सबसे बड़ा एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम नेटवर्क जो था यह दिल्ली में था, अब मुंबई में है। मुंबई की ही एक बालिका है काम्या कार्तिकेन, जिन्होंने मात्र 12 या 13 वर्ष की उम्र में, यह सबसे कम उम्र की महिला है, सबसे कम उम्र की लड़की है, जिन्होंने साउथ अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट एकागुआ पर फतेह हासिल की थी। काम्या कार्तिकेन मुंबई से बिलोंग करती है, नेवल अफसर की बेटी है। महाराष्ट्र सरकार ने अभी हाल ही में औरंगाबाद एयरपोर्ट का नाम बदलकर छत्रपति संभाजी महाराज एयरपोर्ट कर दिया है। गुजरात जो है डोमेस्टिक सोलर रूफटॉप के मामले में, यानी कि घरेलू सोलर पैनल जो छतों पर लगाए गए हैं उन मामलों में गुजरात नंबर एक पर है, जबकि ओवरऑल सोलर पैनल जो लगे हैं वो कर्नाटका नंबर एक पर है, लेकिन डोमेस्टिक सोलर रूफटॉप यानी घर के ऊपर जो सोलर पैनल लगाने में गुजरात नंबर एक पर है, जबकि महाराष्ट्र जो है वो आपका सेकंड नंबर पर आया है।
मुंबई सेंट्रल स्टेशन का नाम फिर से बदलकर उसका नाम नाना शंकर सेठ मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन अभी हाल ही में किया गया है। और जस्टिस दीपांकर दत्ता को अभी हाल ही में बॉम्बे हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है। पुणे जो है वो 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन करेगा, जिसकी थीम रहेगी साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट विद वुमेन एम्पावरमेंट इन 2021। जबकि 107वीं विज्ञान कांग्रेस जो थी वो बेंगलोर में आयोजित हुई थी। क्यूएस यानी कि कॉकरेली साइमंड वर्ल्ड रैंकिंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग के मुताबिक 2020 में यूएस का MIT यानी कि मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो है ये विश्व का नंबर एक संस्थान है इंजीनियरिंग, जबकि हमारे IIT बॉम्बे और IIT दिल्ली को क्रमशः 44वीं और 47वीं रैंक हासिल हुई है इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के यूनिवर्सिटी कैटेगरी में। चीफ मिनिस्टर वर्तमान समय में उद्धव ठाकरे हैं, शिवसेना उनकी पार्टी का नाम है, गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी, कैपिटल सिटी है मुंबई। एक बात याद आया, कल कोई कह रहा था कि सर क्या नाम है लालजी टंडन जो है वो चेंज हो गए मध्य प्रदेश के गवर्नर। भाई बेटा चेंज नहीं हुए, लालजी टंडन का स्वास्थ्य खराब चल रहा है, इस वजह वो अवकाश पर है। तो उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल जी को एक एक्स्ट्रा कार्यभार दिया गया है। मध्य प्रदेश के गवर्नर चेंज नहीं हुए, उनको अतिरिक्त प्रभार अभी हाल फिलहाल सौंपा गया चेंज होने में, और उनकी जगह कोई पद पर कार्य कर रहा होता है, दोनों में अंतर है। ठीक है, अब आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। स्टेट एनिमल है भारतीय गिलहरी, बड़ी गिलहरी। स्टेट बर्ड है येलो फूटेड ग्रीन पिजन यानी कि पीले पैरों वाला हरा कबूतर। स्टेट ट्री है मैग्निफेरा इंडिका, सीधा सीधा बोलो आम। और स्टेट फ्लावर यानी कि राजकीय फूल जो है वो है जरूल। लोकसभा में 48 सीटें हैं और राज्यसभा में 19 सीटें हैं। तो ये रहा महाराष्ट्र पूरा अभी पिछले 6 महीने का करंट अफेयर्स। अब चलते हैं अगली जानकारी की ओर, थोड़ा सा महाराष्ट्र वगैरह से दूर लेके चलते हैं, थोड़ा सा उड़ते हैं इजराइल की तरफ। इजराइल गजब का देश है भाई, 1967 में 8 देशों से अकेला लड़ा था और फिर भी जीत हासिल की थी। उससे पहले जर्मनी ने काफी ज्यादा यहूदियों पर अत्याचार किए थे, उसके बाद उन्होंने काफी सारा अपने आप को डेवलप किया और आज एक छोटा सा देश विश्व के किसी भी बड़े देश से लड़ने की ताकत रखता है। दुनिया में सबसे ज्यादा हथियार जो बनाए जाते हैं वो इजराइल में बनाए जाते हैं, खासकर ऑटोमेटिक हथियार। अब बात करते हैं इजराइल का चर्चा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इजराइल के रक्षा मंत्रालय ने अभी बताया कि सेंट्रल इजराइल में हमने पामाचिन एयरबेस के एक लॉन्च पैड से स्थानीय रूप से विकसित एक रॉकेट के जरिए ऑर्बिट में एक नए स्पाई सैटेलाइट ओफेक 16 का सफल लॉन्च करने की घोषणा की है। इस पर आधारित जो टेक्नोलॉजी रही है वो ब्लू एंड व्हाइट टेक्निक का इस्तेमाल किया गया है। ब्लू एंड व्हाइट टेक्निक ऐसी होती है जिसका कुछ बात पता होता है, कुछ बात पता नहीं होता। ओफेक 16 जो है ये किसने लॉन्च किया है, ये लॉन्च किया है इजराइल ने। क्यों लॉन्च किया है, ईरान जो है वो लगातार समुद्र में अपना दबदबा बना रहा है और ऐसे में इजराइल को एक ऐसे सैटेलाइट की जरूरत है, एक ऐसे सैन्य सैटेलाइट की जरूरत है जिसके जरिए वो अपने तटों की और खासकर अपने क्षेत्र की निगरानी कर सके। और ये एक ऐसा सैटेलाइट है जो किसी की पकड़ में भी नहीं आएगा। तो ओफेक 16 उपग्रह के ऑपरेशनल हो जाने के बाद IDF की इजराइल रक्षा बल यानी कि इजराइल डिफेंस फोर्स कि 9,900 इंटेलिजेंस यूनिट इसके संचालन के लिए जिम्मेदार होगी। OFEC यानी कि ओफेक 16 ने डेटा भेजना और पृथ्वी के चारों परिक्रमा लगाना शुरू कर दिया है। इसके अलावा यह ईरान और उसके परमाणु और मिसाइल कार्यक्रमों पर भी नजर रखेगी। मुद्दा यह है, यह सितंबर 2016 में ऑर्बिट में भेजे गए ओफेक 11 का ही दूसरा सफल परिक्षेपण है। ओफेक सीरीज वो लॉन्च कर रहे हैं, तो ओफेक सीरीज आपको ध्यान रखनी इजराइल की है। चलिए आपको इजराइल थोड़ा सा घुमा देते हैं, कहां है इजराइल देखते हैं। इजराइल वैसे तो बहुत छोटा देश है, एक भूमध्य सागर आपको नजर आएगा, इजराइल के बगल में आपको मिस्र नजर आएगा, मिस्र पहुंच जाओगे मैप में, इधर जॉर्डन नजर आएगा, बीच में ये डेड सी है, मृत सागर आपको यहां पर नजर आएगा। इजराइल और जॉर्डन की सीमा पर ही मृत सागर उपलब्ध है और इस ऊपर एक टिग्रिस करके लेक है यानी कि झील है और ये पूरा इजराइल है। हुआ क्या कि 27 मई 1967 को इजिप्ट के तत्कालीन राष्ट्रपति इजिप्ट यानी मिस्र अब्दुल नासिर ने घोषणा की कि अब अरब के लोग इजराइल का विनाश करना चाहते हैं। मई के अंत में इजिप्ट और जॉर्डन के बीच एक समझौता हुआ था, इजिप्ट यानी मिस्र और जॉर्डन के बीच में एक समझौता हुआ था कि अगर इजराइल द्वारा मुल्क पर हमला किया गया, इनमें से किसी देश पर हमला किया गया तो दूसरा मुल्क उसका साथ देगा। जून में इजराइल इजिप्ट सीमा पर यानी इजराइल और इजिप्ट सीमा पर युद्ध शुरू हो गया। धीरे धीरे देखा गया तो इजराइल को पूरी तरीके से कई सारे देशों ने घेर लिया और इसमें इजराइल के खिलाफ जॉर्डन, इजिप्ट,
इराक, कुवैत, सीरिया, सऊदी अरब, सूडान और अल्जीरिया जैसे देश शामिल हो गए। बात वही है कि वो यहूदियों को पसंद नहीं करते हैं, तो पूरा का पूरा जो अरब कंट्री है वो इजराइल के खिलाफ खड़ा हो गया। इस युद्ध को जून वार के नाम से भी जाना जाता है और इजराइल में हमला करने शुरू कर दिया, लेकिन कोई हमला कर पाता इससे पहले ही इजराइल की सेना ने 400 जॉर्डन प्लेन उड़ा दिए, जिसकी वजह से पूरा घबराहट हो गई और सेना पर जो लड़ाई हुई उस पर भी। कहा जाता है इस युद्ध में इजराइल के मात्र 1000 सैनिक मारे गए थे, जबकि अकेले इजिप्ट के 15000 सैनिक उन्होंने मार डाले थे। तो एक अपने आप में बड़ा युद्ध लड़ा था और ऐसा युद्ध जो पूरे विश्व के लिए मिसाल बन गया, 6 दिन में जंग जीत ली थी। इजराइल की बात करें तो इजराइल जो है दक्षिण पश्चिम एशिया में स्थित एक देश है। यह दक्षिण पूर्व भूमध्य सागर के पूर्वी छोर पर स्थित है। इसके उत्तर में लेबनान है, पूर्व में सीरिया है और जॉर्डन तथा दक्षिण पश्चिम में मिस्र है। इसकी राजधानी है जेरूसलम, प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, मुद्रा है शेकेल और राष्ट्रपति वर्तमान समय में रूवेन रिवलिन जो है वो यहां के राष्ट्रपति हैं। अगली जानकारी की तरफ चलते हैं। अगली जानकारी जो आपके क्वेश्चन था, जो क्वेश्चन ऑफ द डे था, जो क्वेश्चन आपके स्लाइड पे लगा हुआ था, उसी में वैश्विक रियल इस्टेट पारदर्शिता सूचकांक में भारत का स्थान इस साल 34वां रहा है। रियल इस्टेट बाजार से जुड़े नियामकी सुधार, कई सारे राज्यों ने इस बार क्या किया है कि रियल इस्टेट अथॉरिटी लॉन्च कर दिए। कई राज्यों में लॉन्च हुई, जैसे कि गीरा, गुजरात में रियल इस्टेट अथॉरिटी लॉन्च हुई, मध्य प्रदेश में रियल इस्टेट अथॉरिटी लॉन्च हुई। उनका काम यह था कि जो रजिस्ट्री और स्टाम्प शुल्क होते हैं उनका प्रॉपर जांच करना, जिसकी जमीन है केवल उसी को मिले। देखा जाता है कि जमीन किसी की होती है उसके ऊपर कब्जा हो जाता है, तो इसमें पारदर्शिता नहीं थी। इस चीज को ऑनलाइन किया गया, जैसे यहां पर पारदर्शिता आई और भारत की रैंकिंग इस इंडेक्स में एक स्थान ऊपर आ गई है। ये हर दो साल में इस रैंकिंग को जारी किया जाता है। पिछले यानी कि 2018 में जो भारत की रैंकिंग थी वो 35 थी, इस बार इसकी रैंकिंग 34 रही है। तो देश के रियल एस्टेट बाजार को वैश्विक स्तर पर आंशिक पारदर्शी श्रेणी में रखा गया है, यानी हमारे यहां जो है वो थोड़ा तो पारदर्शी है, थोड़ा तो पारदर्शी नहीं है, आंशिक पारदर्शी है। इस सूचकांक में कुल 99 देशों को रखा गया है, जिसमें शीर्ष पर ब्रिटेन है, यानी कि सबसे अच्छा रियल एस्टेट सेक्टर जो है वो ब्रिटेन का है, जिसको जमीन होगी उसी को मिलेगी। इसके बाद क्रमशः अमेरिका का नंबर आता है, फिर ऑस्ट्रेलिया का, फिर फ्रांस और फिर कनाडा, देश शीर्ष 5 में शामिल हुए हैं। भारत के पड़ोसी देशों में बात करें तो चीन इस सूचकांक में 32वें नंबर पर है, श्रीलंका 65 नंबर पर है और पाकिस्तान 73वें नंबर पर है, जबकि शीर्ष 10 देशों को उच्च पारदर्शी और 11 से 33 को पारदर्शी श्रेणी में रखा गया है और 33 के बाद भारत से रैंकिंग शुरू हो जाती है, जिसे आंशिक पारदर्शी की श्रेणी में रखा गया है। तो रियल एस्टेट इंडेक्स में भारत की रैंकिंग कितनी रही? 34वीं रही। और इसको जारी करने वाली जो कंपनी है, वैश्विक संपत्ति सलाहकार कंपनी JLL द्वारा इसे जारी किया जाता है, JLL। अगली जानकारी है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने, आखिरकार वही हुआ जिसका डर था, अमेरिका ने WHO छोड़ दिया। अमेरिका ने WHO छोड़ने के कई कारण बताए और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप उसमें एक रीजन रहे हैं कि उनका मन करता है तो वो छोड़ देते हैं, तो उन्होंने WHO को छोड़ दिया। खासकर छोड़ते टाइम उन्होंने जो बयान दिया है उसके मुताबिक उनका कहना है कि WHO जो है वो चीन के अंतर्गत काम कर रहा है और इसमें कोरोना वायरस महामारी की जो जांच है या जो उसके बारे में आंकड़े हैं उसको कहीं बढ़ा चढ़ा के प्रस्तुत किया, जिससे विश्व की अर्थव्यवस्था थोड़ी सी चरमरा जाए। अब इसके पीछे WHO को क्या रीजन रहा वो पता नहीं, लेकिन हमारे लिए काम की जो चीज है वो ये कि भारत को इस बार WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के कार्यकारी बोर्ड का अध्यक्ष चुना गया है, यानी आगे आने वाले सालों में जो नीतियां आपको नजर आएंगी, वर्षों में जो नीतियां नजर आएंगी, उसमें कहीं ना कहीं भारत का रोल बहुत अच्छा होने वाला है, क्योंकि भारत जो है उसमें अध्यक्ष पद पर है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने औपचारिक रूप से WHO संयुक्त राज्य अमेरिका को विश्व स्वास्थ्य संगठन से हटा लिया है। अमेरिका 6 जुलाई 2021 के बाद WHO का सदस्य नहीं रह जाएगा। साल 1984 में तय नियमों के तहत किसी की भी सदस्यता वापस लेने के साल भर बाद ही देश को WHO से निकाला जाता है। इसके अतिरिक्त अमेरिका को WHO के सभी बकाए भी चुकाने होंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कोरोना वायरस महामारी से निपटने को लेकर संयुक्त राष्ट्र के स्वास्थ्य निकाय की लगातार आलोचना करते रहे हैं। ट्रंप सरकार ने कोरोना वायरस मामले में आरोप लगाया था कि WHO चीन के अधीन काम कर रहा है। ऐसी बहुत सारी बातें हुई थी। WHO की बात करें तो यह विश्व का सबसे बड़ा स्वास्थ्य संगठन है और कई सारे देश इसके सदस्य हैं, लगभग 194 देश जो हैं इसके सदस्य हैं, 2 इससे अटैच देश हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की एक अनुसांगिक इकाई है। इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को की गई थी। मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है और वर्तमान समय में इसके हेड जो है वो है टेड्रोस अदानोम, इसके हेड है वर्तमान समय में WHO के। अगली जानकारी चलते हैं भारतीय रेलवे की तरफ। विश्व का 3रे नंबर का भारतीय रेल नेटवर्क है। लगभग
अगर देखा जाए तो 125,000 किलोमीटर की हमारे पास रेल लाइन है और 68,500 किलोमीटर ऐसी लाइन है जिस पर रेलवे का संचालन अभी चालू है, लेकिन इसमें से मात्र 38,500 किलोमीटर रेलवे लाइन ही ऐसी है जिस पर विद्युतीकरण का काम हो चुका है। बाकी की रेल लाइन पर आज भी कोयले के इंजन चल रहे हैं जिसकी वजह से कार्बन उत्सर्जन बहुत होता है, वायु प्रदूषण बहुत होता है। तो रेलवे एक नई पॉलिसी लेकर आया है, नेट जीरो पॉलिसी। नेट जीरो पॉलिसी के अंतर्गत रेलवे को पूरी तरीके से हरित ऊर्जा बेस्ड एक निकाय बनाना है जिसमें सौर ऊर्जा से संचालित ट्रेनों का भी संचालन किया जाना है। इसमें अगर देखा जाए तो पूरी तरीके से रेलवे का जो एजेंडा है, उनका जो मेन मोटिव है कि 2030 तक हम पूरी तरीके से जीरो एमिशन निकाय बन जाएंगे, जीरो एमिशन बॉडी बन जाएंगे। तो भारतीय रेलवे ने अपनी दशकों से खाली पड़ी जमीन पर सोलर पावर प्लांट लगाने का फैसला किया है। इस योजना का नाम दिया गया है नेट जीरो। रेलवे इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट के माध्यम से ट्रेनों को सोलर पावर से चलाने की योजना पर काम कर रहा है। रेलवे ने 2030 तक नेट जीरो कार्बन इमिशन मास ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क बनाने का रखा है, जिससे चलते रेलवे अब इस प्रोजेक्ट को शुरू करने जा रहा है। इसके तहत रेलवे ने अपनी खाली जमीनों पर सोलर प्रोजेक्ट लगाने के टेंडर भी देने शुरू कर दिए हैं। अब तक 2 टेंडर निकाले गए हैं। इनके अतिरिक्त मध्य प्रदेश के बीना में एक पायलट प्रोजेक्ट भी शुरू किया जा रहा है। और मध्य प्रदेश के बीना से याद आया कि मध्य प्रदेश के रीवा में देश के सबसे एशिया के सबसे बड़े सोलर पावर संयंत्र का उद्घाटन होने जा रहा है, यह मैंने आपको कल ही बताया था। रेलवे ने अब तक देश में सौर ऊर्जा की मदद से कई रेलवे स्टेशन की बिजली की जरूरतों को पूरा किया है। भारतीय रेलवे की विद्युत ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भूमि आधारित सौर संयंत्रों के निर्माण पर भी कार्य कर रहा है। वैसे ऐसी 2 पायलट परियोजनाएं ऑलरेडी भिलाई छत्तीसगढ़ तथा दीवाना हरियाणा में कार्यान्वित की जा रही हैं, जिनके 31 अगस्त 2020 तक पूरी तरह से शुरू होने की उम्मीद की जा रही है। तो नेट जीरो कार्बन इमिशन नेटवर्क कौन बनाने जा रहा है? भारतीय रेलवे। भारतीय रेलवे के हेड कौन है? विनोद कुमार यादव। एक और जानकारी अभी कुछ समय पहले चर्चा में थी, 9 जून 2020 की न्यूज है कि हुबली जो है वो विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म बनने जा रहा है, 2020 के एंड तक वो बन जाएगा। अभी ये जो पदक है, यानी कि ये जो खिताब मिला हुआ है वो गोरखपुर रेलवे स्टेशन को मिला हुआ है। गोरखपुर रेलवे स्टेशन को विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहा जाता है, लेकिन अब ये खिताब हुबली को मिल जाएगा। हुबली रेलवे स्टेशन जो होगा ये विश्व का सबसे लंबा रेलवे स्टेशन हो जाएगा। हुबली रेलवे स्टेशन कर्नाटका में है और इसका जो सबसे लॉन्गेस्ट प्लेटफॉर्म होने वाला है, जिसकी अभी तक 1400 मीटर रेंज हो जाएगी और जो 14 मीटर इन लेंथ एंड 10 मीटर इन विथ रहेगा। ये 1366 मीटर का अभी गोरखपुर रेलवे स्टेशन है और ये 1400 मीटर का बनने वाला है। इनको पहचानते हैं? कौन नहीं पहचानता भाई, रॉक है ये। रेसलर से एक्टर बने द रॉक के नाम से मशहूर ड्वेन जॉनसन इंस्टाग्राम पे सबसे ज्यादा कमाई करने वाले सेलिब्रिटी बन गए हैं। आप पूछेंगे इंस्टाग्राम पे कमाई कैसे होती है? मान लीजिए आपके बहुत सारे फॉलोअर हैं, अगर आप अपने पेज पर कोई ब्रांडेड प्रमोशन करते हैं तो वो ब्रांडेड प्रमोशन करने का आपको पैसा मिलता है। इस तरीके से यहां पर सबसे ज्यादा कमाई करने वाले सेलिब्रिटी बने हैं ड्वेन जॉनसन। ड्वेन ने इंस्टाग्राम में किस सबसे ज्यादा कमाई करने वाली सेलिब्रिटी काइली जेनर को पछाड़कर यह किताब अपने नाम किया है। सोशल मीडिया मार्केटिंग फर्म हॉपर एचक्यू के अनुसार इंस्टाग्राम पर जॉनसन के 189 मिलियन फॉलोअर हैं, जबकि जेनर के 183 मिलियन फॉलोअर हैं। द रॉक को एक ब्रांडेड पोस्ट करने पर $10,15,000 यानी कि 7.58 करोड़ रुपए की कमाई होती है। एक पोस्ट करने पर 7.58 करोड़ रुपए की कमाई होती है। देखो कहां जा रही है दुनिया। इससे पहले फोर्ब द्वारा उन्हें 2019 का हॉलीवुड का सबसे ज्यादा राशि लेने वाला अभिनेता भी कहा गया था। इसके अलावा इस वर्ष की सूची में स्टार फुटबॉल खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो भी शामिल है, जिन्हें हर ब्रांडेड पोस्ट के लिए लगभग 88,89,000 डॉलर $88,89,000 यानी तकरीबन 6.64 करोड़ रुपए मिलते हैं। वहीं जेनर, मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है, यहां पे $8,89,000 होना चाहिए था क्योंकि ये वैल्यू कम ही होनी चाहिए इससे। यहां पर ये कुछ ज्यादा ही हो रही है, देख लीजिए। हाँ एग्जैक्टली, ये थोड़ा सा ज्यादा हो रही है। तो यहां पर ये $10,15,000 है, वो 8,89,000 होना चाहिए था। ठीक है, प्रिंटिंग मिस्टेक है थोड़ी सी। वहीं जेनर की बहन किम करदाशियां को ब्रांडेड पोस्ट करने के लिए $8,58,000 कमाई होती है। इस सूची में प्रति पोस्ट से $8,53,000 की कमाई करने वाली आरियाना ग्रांडे टॉप 5 से बाहर हो गई हैं। तो सबसे ऊपर है ड्वेन जॉनसन जो इंस्टाग्राम से सबसे ज्यादा कमाई करते हैं। अगली जानकारी है कुवैत सिटी से। कुवैत को देखा जाए तो कुछ ऐसे राजनीतिक घटनाक्रम है जिनके बारे में आपको जरूर पता होना चाहिए। कुवैत आप सभी को पता है कि एक इमीरेट कंट्री है, यानी कि अमीरात का देश है,
और सबसे बड़ी बात यह, भारत और कुवैत के संबंध हमेशा से काफी अच्छे रहे हैं, लेकिन इन दिनों कुवैत और भारत के बीच के जो संबंध है वो कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। और ऐसी दशा भी इस तरह से की गई कि 90 के दशक में एक बार पहले भी इस तरह का रूल आया था। रूल ये आने जा रहा है या ये बनने जा रहा है, अगर ये नियम बन गया तो बहुत सारे भारतीयों को कुवैत छोड़ना पड़ेगा। कुवैत के अंदर देखा जाए तो लगभग 70% इस टाइम वहां पर प्रवासी हैं, जबकि 30% वहां की लोकल जनता है, यानी कि वहां कुवैत के वासी है। तो जो कुवैत के वासी हैं उनको आर्थिक चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, उनको रोजगार नहीं मिल रहा, उनका उद्योग धंधा नहीं चल रहा, तो वो चाहते हैं कि प्रवासियों को यहां से हटाया जाए। और जो प्रवासी हैं वो बहुत कम कीमत में वहां पे काम करते हैं। कुवैत की नेशनल असेंबली की कानून और विधायी समिति ने हाल ही में एक ड्राफ्ट एक्सपेक्ट कोटा बिल को मंजूरी दी है। यदि बिल को एक कानून के रूप में लागू किया जाता है तो 8 लाख से अधिक भारतीयों को कुवैत से बाहर किया जा सकता है। प्रस्तावित बिल के मुताबिक भारतीयों की आबादी 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए और कुवैत की 4.3 मिलियन आबादी में से 3 मिलियन एक्सपेक्ट यानी प्रवासी हैं। 90 के दशक में ऐसा ही एक रूल लाया गया था, तब उस समय भी बहुत सारे प्रवासियों को कुवैत से हटाया गया था, लेकिन वहां पर यह किया गया कि जहां जब कुवैत से बहुत सारे प्रवासी अन्य देशों के हटाए गए तो उनमें भारतीयों को जगह दी गई। और इसका सीधा सा असर यही हुआ कि बहुत सारा जो हम रेवेन्यू प्राप्त करते हैं वो कुवैत सिटी से प्राप्त करते हैं, क्योंकि इतनी भारी मात्रा में भारतीय वहां पर काम कर रहे हैं जिसकी वजह से हमें काफी सारा रेवेन्यू हासिल होता है। कुवैत की बात करें तो कुवैत, देखिए यहां पर एक न्यूज का पोस्टर लगाया हुआ है मैंने, कि कुवैत की जनसंख्या 48 लाख है जिनमें 10 लाख भारतीय है। सरकार कानून बनाई गई थी 40% प्रवासियों को बाहर करना चाह रही है, ऐसे में 3 से 4 लाख तक भारतीयों को बाहर होना पड़ सकता है। कुवैत जो है ये आपका मिडिल ईस्ट में एक देश है, पश्चिम एशिया में स्थित एक संप्रभु अरब अमीरात है जिसकी सीमा उत्तर में सऊदी अरब और उत्तर और पश्चिम में इराक से मिलती है। उत्तर से लेकर दक्षिण तक की अधिकतम दूरी 200 किलोमीटर और ये तो बेकार हो गया। राजधानी की बात करें तो कुवैत सिटी है और मुद्रा यहां पर चलती है कुवैती दिनार। अगली जानकारी चलते हैं अहमदाबाद से, यह जानकारी है संजीवनी सेवा नाम से एक वैन सेवा शुरू की गई है अहमदाबाद में। कुछ ऐसे COVID-19 रोगी हैं जो आपके घर में ही आइसोलेशन पे हैं और घर पे ही इलाज कर रहे हैं, उनमें कोई गंभीर लक्षण नजर नहीं आ रहे हैं, इस वजह से वो घर में ही आइसोलेशन में हैं, लेकिन उनकी रोज जांच होना जरूरी है, उनका कब वो ठीक हो रहे हैं ये सब पता करना जरूरी है। तो इस तरीके से अपने आप की पहली पहल की है संजीवनी सेवा लाकर अहमदाबाद ने। उसमें क्या होगा कि वो जाएंगे सब जो भी COVID-19 के मरीज हैं उन सभी के घर जाएंगे और उन सभी के घर जाकर उनकी जांच पड़ताल करेंगे, उनके बारे में देखते रहे। फिलहाल हाल ही में अहमदाबाद नगर निगम ने कोरोना वायरस से संक्रमित उन रोगियों के लिए संजीवनी वैन सेवा शुरू की है जो होम आइसोलेशन से उपचार कर रहे हैं। संजीवनी वैन में एक प्रशिक्षित पैरामेडिकल स्टाफ की टीम होगी जो कि प्रत्येक दिन संक्रमित लोगों के निवास स्थान पर जाएगी और होम आइसोलेशन से मौजूद रोगी की नियमित जांच करेगी। वहीं पैरामेडिकल टीम के पास विटामिन सी और विटामिन डी की गोलियों समेत अनेक दवाएं होंगी। अहमदाबाद के प्रत्येक शहरी स्वास्थ्य केंद्र के पास अपनी एक संजीवनी वैन होगी। समग्र रूप से पूरे शहर में इस प्रकार की कुल 75 टीमों का संचालन किया जाएगा। इस संबंध में सूचना जारी करते हुए AMC ने कहा कि प्रत्येक टीम में कुल 2 पैरामेडिकल स्टाफ होंगे और एक डॉक्टर के नेतृत्व में कुल 10 टीमें कार्य करेंगे। गौरतलब है कि इससे पूर्व अहमदाबाद नगर निगम ने कोरोना वायरस महामारी के प्रकोप का सामना कर रहे अहमदाबाद में संक्रमण पर काबू पाने के लिए धन्वंतरी रथ की भी शुरुआत की थी। धन्वंतरी रथ जो था वो एक तरह की एम्बुलेंस थी और उसमें पूरी सुविधाएं मौजूद थी। यहां पर ज्यादा सुविधाएं मौजूद नहीं होंगी, जांच वगैरह कर सकेंगे, इतनी सुविधाएं मौजूद होंगी। तो संजीवनी वैन याद रखिएगा सेवा, ये कहां पर है? अहमदाबाद में। एक पुराना मुद्दे पे आर्बिट्रेशन कोर्ट ने गुहार लगाई, मतलब उसका रिजल्ट आया है। तो परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन समझते हैं ये क्या है, फिर इसके बाद आगे चलेंगे। परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ये हेग स्थित है, हेग नीदरलैंड में है। जब कभी 2 राज्यों यानी 2 राष्ट्रों के बीच कोई विवाद आ जाता है तो उसको परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में सॉल्व कराया जाता है। 2 देशों के बीच में कोई विवाद होगा तो उसको यहां पर सॉल्व कराया जाएगा। यहां पर विवाद था, एक जहाज था एनरिकलेक्सी इंसिडेंट, एनरिकलेक्सी एक जहाज था जो 2012 में भारत के तट पर आसपास आया था, इटली का जहाज था ये। और इसमें जो नौसेना अधिकारी थे, 2 नौसेना अधिकारियों के ऊपर यह आरोप था कि उन्होंने 2 भारतीय मछुआरों की हत्या कर दी थी। इस तरीके से हत्या करने की वजह से भारत सरकार ने इनको अपनी गिरफ्त में ले लिया था और इनके ऊपर मुकदमा चलाया गया। काफी समय से यह मुकदमा लंबित था लेकिन अब हाल फिलहाल इसका अंतिम फैसला आ गया है।
इस अंतिम फैसले में भारत सरकार को मुआवजे के लिए बताया गया, क्योंकि इसमें उन्होंने कहा है कि आप इटली के उन नागरिकों के ऊपर कुछ भी नहीं कर सकते, या इटली के जो सैन्य अधिकारी हैं आप उनके ऊपर कोई भी मुकदमा नहीं चला सकते। क्यों? क्योंकि वो उन्होंने जो भी निर्णय लिया वो व्यक्तिगत निर्णय नहीं था। उनका कहना था कि उन्होंने मछुआरों को इसलिए मार दिया क्योंकि वो उन्हें आतंकवादी समझ बैठे थे, और इस वजह से वो राष्ट्र के रूप में कार्य कर रहे थे, वो इटली का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, वो अपना व्यक्तिगत कुछ वहां पर उनका मोटिव नहीं था, और ऐसे में उनको इटली के देश की तरफ से संरक्षण भी मिलता है। तो ये जो फैसला आया, ये फैसला कुछ इस तरीके से आया कि 5 सदस्यों वाले परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने भारत को इटली के दोनों नौ सैनिकों के विरुद्ध जो भी आपराधिक कार्रवाई कर रहे थे उनको रोकने का आदेश दे दिया है। कुल मिलाकर उनकी रिहाई हो रही है। पीसी ने स्पष्ट किया कि भारत के पास इटली के नौ सैनिकों पर आपराधिक मुकदमा चलाने का क्षेत्राधिकार नहीं है। पीसीए ने अपने निर्णय में कहा कि भारत के पास इटली के दोनों नौसेना पर एनरिका लेक्सी मामले में, एनरिका लेक्सी उस समय जहाज है जिस पर ये दोनों नौसेना सवार थे, नौसैनिक सवार थे, किसी भी प्रकार का आपराधिक मुकदमा चलाने का अधिकार नहीं, क्योंकि वे दोनों नौसैनिक एक राष्ट्र की ओर से कार्य कर रहे थे, ना कि व्यक्तिगत तौर पर। पीसीए के हालिया निर्णय को भारत के लिए आंशिक जीत और आंशिक हार के तौर पर देखा जा रहा है, जहां एक ओर भारत को इस संबंध में मुआवजा प्राप्त करने के लिए बोला है कि भारत के क्षेत्राधिकार में उनको आना नहीं चाहिए था, और क्योंकि भारत को जान माल का नुकसान हुआ है तो इसमें भारत को मुआवजा मिलना चाहिए, यह बात भी उन्होंने कही है। लेकिन भारत उनके खिलाफ जो भी आपराधिक कार्रवाई की तरह उनको आपराधी की तरह ट्रीट कर रहा है, उनको आपराधी की तरह ट्रीट ना करे, क्योंकि उन्होंने सैन्य धर्म निभाया है, सीधा उनका कहने का मतलब यह है, तो उन्हें भारतीय न्याय क्षेत्र में सजा नहीं दी जा सकेगी। तो इस तरीके से एक ऐसा भी हुआ कि दो लोग आए भारतीय क्षेत्र में, दो भारतीय लोगों को मारा, और फिर उसके बाद भारत उनके ऊपर कुछ नहीं कर सकता। फिलहाल जब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने यह निर्णय दे दिया है तो मैं कौन होता हूं यह कहने वाला, लेकिन मेरे हिसाब से यह चीज ठीक नहीं है। आगे चलते हैं अगली जानकारी की तरफ। अगली जानकारी है, इंडिया टीवी रिपोर्ट आई है। इंडिया टीवी रिपोर्ट में यह बताया गया है कि देश में जो टीवी के मामले हैं वो लगातार बढ़े हैं, और पिछले साल के मुकाबले अभी हम 14% मामले अधिक पा रहे हैं। तो हाल ही में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने वर्चुअल कार्यक्रम के माध्यम से वार्षिक तपेदिक रिपोर्ट 2020 जारी की गई है। इंडिया टीवी रिपोर्ट 2020 के अनुसार वर्ष 2019 में लगभग 24.04 लाख टीवी मरीजों को अधिसूचित किया गया है, जो वर्ष 2018 की तुलना में 14% अधिक है। रिपोर्ट के अनुसार विश्व में टीवी एचआईवी से एक साथ होने वाली मौतों की संख्या में भारत विश्व में दूसरे स्थान पर चल रहा है, पहले स्थान पर बांग्लादेश है। तपेदिक के कुल मामलों में आधे से अधिक देखा जाए तो भारत में सबसे ज्यादा जो टीवी के मामले हैं वो उत्तर प्रदेश में नजर आए हैं, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश, राजस्थान और बिहार, गुजरात, आंध्र प्रदेश और हिमाचल प्रदेश 50 लाख आबादी वाले राज्यों की श्रेणी में तपेदिक नियंत्रण के लिए शीर्ष 3 सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य हैं, यानी सबसे अच्छे तरीके से कंट्रोल करने वाले राज्य हैं गुजरात, आंध्र प्रदेश और हिमाचल प्रदेश, जबकि नागालैंड और त्रिपुरा 50 लाख से कम आबादी वाले शीर्ष राज्यों की श्रेणी में तपेदिक नियंत्रण के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य हैं। तीन तरह की लिस्ट है। पहली, सबसे खराब स्थिति किसकी है? उत्तर प्रदेश की। सबसे बेहतर स्थिति टीवी के मामले में देखा जाए, अच्छा प्रदर्शन कर रहा है गुजरात, 50 लाख से अधिक आबादी वाले और 50 लाख से कम आबादी वाले में नागालैंड। दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव तपेदिक नियंत्रण के लिए सबसे प्रदर्शन करने वाले शीर्ष केंद्र शासित प्रदेशों की सूची में शामिल रहे हैं। तो ये रहा मोटा मोटा आपका टीवी रिपोर्ट। अब आ रही है आज के हमारे क्विज की, चलते हैं वन लाइनर की, माफी चाहूंगा। किस देश ने ओफेक 16 नाम का एक सैन्य निगरानी उपग्रह लॉन्च किया है? तो इजराइल। भारत के छाछठ में ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? जी आकाश। महाराष्ट्र सरकार द्वारा राज्य में महाजॉब पोर्टल शुभारंभ किया गया है, जिसमें कितने सेक्टर इन्वॉल्व किए गए हैं? 17। वैश्विक रियल एस्टेट पारदर्शिता सूचकांक में भारत का स्थान 34वां रहा। किस देश ने हाल ही में औपचारिक रूप से विश्व स्वास्थ्य संगठन को से अपने आप को हटा लिया है? तो वो है अमेरिका। एनरिका लेक्सी मामला भारत और किस देश से संबंधित है? यह भारत और इटली से संबंधित है, जिसमें अभी हाल ही में फैसला आया। हाल ही में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा वर्चुअल कार्यक्रम के माध्यम से टीवी रिपोर्ट जो जारी की गई है उसमें सबसे खराब, सबसे अधिक मामले वाला कौन सा राज्य है? तो वो है यूपी। रेलवे ने कब तक नेट जीरो कार्बन इमिशन मास ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क बनाने का लक्ष्य रखा है? 2030 तक। और इंस्टाग्राम पे सबसे ज्यादा कमाई करने वाले सेलिब्रिटी बने डन जॉनसन, रॉक। किस देश ने एक्सपेक्ट कोटा बिल पारित किया है जो लगभग 8 लाख भारतीयों को देश छोड़ने पर मजबूर कर सकता है? तो वो है कुवैत। हाल ही में किस शहर ने कोरोना वायरस से संक्रमित उन रोगियों के लिए संजीवनी वैन की शुरू की है जो होम आइसोलेशन के तहत उपचार कर रहे हैं? तो वो है अहमदाबाद। अब बारी आज के क्विज की। किस देश ने ओफेक 16 नाम का एक सैन्य निगरानी उपग्रह लॉन्च किया है? तो वो है इजराइल। देश के साक्षात में ग्रैंड मास्टर, सदर्न ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? उनका नाम है जी आकाश। महाराष्ट्र सरकार द्वारा राज्य में महाजॉब पोर्टल का शुभारंभ किया गया, जिसे कर्मियों को कितने सेक्टरों में आवेदन करने में सक्षम बनाएगा? तो 17 सेक्टरों में आवेदन करने में सक्षम बनाएगा।
वैश्विक रियल एस्टेट पारदर्शिता सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा रहा है? तो इस सूचकांक में भारत इस बार 34वें नंबर पे आया, 2018 में 35वें नंबर पर था। किस देश ने हाल ही में औपचारिक रूप से विश्व स्वास्थ्य संगठन से हट गया है? तो वो है आपका यूएसए, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका। रेलवे ने कब तक नेट जीरो कार्बन इमिशन मास ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क बनने का लक्ष्य रखा है? तो हाल फिलहाल वो 2030 तक ऐसा करना चाहते हैं। इंस्टाग्राम पर सबसे ज्यादा कमाई करने वाले सेलिब्रिटी बने हैं जो काइली जेनर को पछाड़कर, ये किताब किसने अपने नाम किया है? तो उनका नाम है ड्वेन जॉनसन। किस देश ने एक्सपेक्ट कोटा बिल पारित किया जो लगभग 8 लाख भारतीयों को देश छोड़ने पर मजबूर कर सकता है? तो यह है कुवैत का बिल। हाल ही में किस शहर ने कोरोना वायरस से संक्रमित उन रोगों के लिए संजीवनी वैन सेवा शुरू किया है जो होम आइसोलेशन के तहत उपचार कर रहे हैं? तो अहमदाबाद, गुजरात का अहमदाबाद। एनरिका लेक्सी मामला भारत और किस देश से संबंधित है? ये इटली से संबंधित है, जिसमें इटली के 2 नौसैनिकों ने 2 मछुआरों को मार दिया था। हाल ही में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा वर्चुअल कार्यक्रम के माध्यम से वार्षिक तपेदिक रिपोर्ट जारी की गई है। इस मामले में देखा जाए तो सबसे ऊपर कौन सा राज्य रहा? तो सबसे ऊपर यानी कि सबसे ज्यादा मामले यूपी में नजर आए हैं। वर्ल्ड टीवी डे हर साल टीवी के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए 24 मार्च को मनाया जाता है। इस बार इसकी थीम रही इट्स टाइम तो इन टीवी। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। उम्मीद करता हूं कि ये करंट अफेयर्स आपको पसंद आए होंगे, आपको समझ में भी आए होंगे। पसंद भले ही ना आए, समझ में आना बहुत जरूरी है। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।